हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं, इसकी रीडिंग है। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं, उससे पहले मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मैरिज मैनिफेस्टेशन ब्रेसलेट है। अगर आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं, चाहे आप सिंगल हो या किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन ब्रेसलेट है। मैरिज आपकी ज़रूर उनसे होगी। खोल के दिखा दें, मैंने भी पहनी है, आप देख सकते हैं। तो दिखा देती हूँ, ये कस्टमाइज ब्रेसलेट है। अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं मैरिज के प्रोस्पेक्टिव से। अगर आप अपने पर्सन से चाहते हैं मैरिज, तो ज़रूर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी sivaria91 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्रेसलेट परचेस कर सकते हैं। ये आपकी मैरिज मैनिफेस्टेशन ब्रेसलेट है जो आपको सपोर्ट करेगी आपकी डेस्टिनी जो है मैरिज के प्रोस्पेक्टिव में, कि आप मैरिज जो है आपके अपने पार्टनर से हो जाए, जो साथी आप चाहते हैं, जो आपकी दिल की हीलिंग करते हैं, उनसे आपकी शादी हो जाए। और अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली एक राइट पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आपका ये मैंने भी पहना है इसीलिए, क्योंकि ये कस्टमाइज है और मैं रिकमेंड इसीलिए कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। डेथ है। ओ माय गॉड, क्या हो गया भाई आप दोनों के बीच में। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द फाइव ऑफ कप्स। बहुत सैडनेस है। ऐसा क्यों भाई, आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है कि अप एंड डाउन से गुजर रहा है, या हार्ट ब्रोकन हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्परेंस। तो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस है। डेफिनेटली अगर आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं किया है, तो अपने दोस्तों से वो यही कहते हैं कि क्योंकि आपकी सिचुएशंस पहले जान लेते हैं कि आपकी सिचुएशंस क्या है। आपकी सिचुएशंस हो सकती है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू हो सकता है, या फिर आपका रिलेशनशिप जो है स्टेबल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी रही है, और वो स्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि इस पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं किया होगा आपके साथ, टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं किया, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, आपसे बातें बंद कर दी, या फिर कहीं ना कहीं आपको इन्होंने हर्ट जरूर किया है। तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में यार बैलेंस चाहता हूँ, रिकंसिलेशन चाहता हूँ, और इसके लिए मैं इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी है। मैं इसके लिए जो हो सकता है वो करना चाहता हूँ। मैं कल तक डिफेंसिव रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, या मैं इतना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर पाया इस रिलेशनशिप में जितना मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैं अब इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसे पाना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते में बैलेंस चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते में पेशेंसफुल भी हूँ, जितना टाइम लगता है उसे पाने को, उसे मनाने को, इस रिश्ते पे काम करने को, मैं उसके लिए रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ इंतज़ार करने के लिए भी। मैं इस रिश्ते को ख़त्म होने नहीं दे सकता हूँ, किसी भी कीमत पे मैं इस रिश्ते को ख़त्म होते तो नहीं देख सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर पास्ट में अगर वो मानती है या वो मानता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है,
ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, नेवर एंडिंग स्टोरी है। मैं फिर से इस रिश्ते के लिए स्टैंड लूँगा। मैं इस अगर मेरी ज़िद ने, अगर मेरा ईगो ने इस रिश्ते को ख़त्म किया है, तो मैं उसी ईगो के थ्रू, उसी वूंड्स के थ्रू, उसी जिद के थ्रू मैं इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करूँगा। अगर मेरी ज़िद के वजह से ये रिश्ता टूटा है, तो मैं अपने ज़िद के वजह से ही इस रिश्ते के लिए स्टैंड लूँगा, इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करूँगा, इस रिश्ते के लिए कुछ भी करूँगा, क्योंकि ये मेरा जुनून है, ये मेरा जुनून है। और मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है। अगर मेरे थॉट्स भी आते हैं, अगर वो सोचती है या सोचता है, तो भी मैं इसे डिनायल करता हूँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी गिव अप तो नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैंने किया है। मुझ में अभी करेज नहीं है, लेकिन मैं बोल्ड स्टेप ज़रूर लूँगा। अपने हार्ट की हीलिंग तो मेरे हार्ट की हीलिंग तभी होगी जब मैं उसके लिए बोल्ड स्टेप लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जितना हर्ट मैं हुआ हूँ, उससे भी कहीं ज़्यादा वो मेरे ईगो की वजह से हर्ट हुई है। लेकिन फिर भी अगर मेरे में करेज नहीं था, जिसके वजह से, क्योंकि वो मुझसे कमिटमेंट चाहती थी, वो मुझसे स्टेबिलिटी चाहती थी, वो मुझसे इस रिश्ते को कहीं ना कहीं एक बेसिक फाउंडेशन चाहती थी, जो मैं उस समय नहीं दे पाया, और वो समझ भी नहीं पाई कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उस समय इतना बोल्ड स्टेप नहीं ले सका उसकी तरफ, जिसके वजह से वो हर्ट हो गई या हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसके लिए मैरिज कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं था। वो मुझसे मैरिज चाहती थी, कमिटमेंट चाहती थी, या और कहती यही थी कि मेरे साथ फेयर करो, फेयर करो। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने अपने ईगो की वजह से, अपने टेंशन की वजह से इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मैशअप कर दिया है, बहुत मैस क्रिएट कर दिया है। लेकिन फिर भी अब मैं उसके लिए ज़रूर स्टैंड लूँगा, और अगर वो कमिटमेंट मांगती है, स्टेबिलिटी मांगती है, जो भी हो, मैं इस रिलेशनशिप के साथ फेयर ही करूँगा, मैं उसके साथ फेयर ही चलूँगा। कभी भी उसे के साथ मैं गलत अब नहीं करूँगा, क्योंकि दिल टूटने का जो दर्द है वो मुझे भी फील हुआ है, और मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ ये मैं ही जान रहा हूँ। तो मैं जो भी सही होगा मैं उसके लिए ज़रूर करूँगा, और इस रिश्ते को स्टेबल ज़रूर करूँगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो कोर्ट मैरिज हो, ट्रेडिशनल मैरिज हो, मैं उसके लिए रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। अगर वो मेरे साथ भागकर शादी करेगी, तो मैं भागकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे साथ रजिस्टर्ड मैरिज करेगी, तो मैं रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज भी करने के लिए रेडी हूँ। बस उसकी रेडी होने की ज़रूरत है, जो पास्ट में किया, जिसके वजह से हमारा रिश्ता टूटा, कहीं ना कहीं इस कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सॉलिड फाउंडेशन के वजह से ही टूटा, क्योंकि हमारा रिश्ता ही सॉलिड नहीं था, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा थी इस रिश्ते में। मैं टाइम और एनर्जी नहीं दे पाता था, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं नाराज़ हो गई, उसको कॉल एंड मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया। हमारी सिचुएशन ही ऐसी थी जहाँ मुझे कहीं ना कहीं मैंने उसके साथ अनफेयर ज़रूर किया है। इस बात की रियलाइजेशन मुझे बहुत है, और अभी की सिचुएशन ये है कि वो मेरे तरफ ध्यान भी नहीं देता है या नहीं देती है। वो इतनी ब्लंट हो गई है, इतनी डायरेक्ट हो गई है, और अपने ऊपर बहुत फोकस हो गया, जिसके वजह से मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि जो एक्सपीरियंस उसने किया है, वो भी एक्सपीरियंस मैंने भी किया है, वो दर्द मैंने भी फील कर भी रहा हूँ, और वो दर्द वो भी अपने सीने में छिपाई हुई है। मैं डेफिनेटली उसके पास जाके उससे सॉरी कहूँगा। अगर मुझे वो सेकंड चांस देती है, तो मैं पेशेंसफुली इंतज़ार करूँगा उसके सेकंड चांस देने के लिए। ना भी कहेगी तो भी मैं उसके लिए पेशेंसफुल हूँ, मैं पेशेंसफुल हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका स्वभाव ऐसे ही चिड़चिड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे ही एटीट्यूड के वजह से वो कहीं ना कहीं दुखी है आज भी, और मेरे ही डिसीज़न का वो इंतज़ार कर रही है अब तक।
चलिए चांद से देखते हैं कि आखिर आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। तो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि इंट्यूटिवली मैं उससे कनेक्टेड फील करता हूँ और वो मुझे बहुत, उसने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत ही लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट उसका नेचर है। और मुझे पता है कि इस रिश्ते में मुझे कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और मेरा जो रिश्ता है कहीं ना कहीं भगवान भरोसे हो चुका है, क्रॉस का है, तो कहीं ना कहीं ख़त्म सा हो गया है। लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से डिवोटेड हूँ और गॉड से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाए, मुझे एक सेकेंड चांस दे दे। जैसे ही वो मुझे सेकेंड चांस अगर देती है तो मैं इस रिश्ते के लिए डेफिनेटली वो सारे काम करूँगा जो अब तक नहीं किया है। मैं इस रिश्ते पे हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूँ, मैं उसको प्रपोज करने के लिए रेडी हूँ, मैं उसको हायर लेवल की जो कमिटमेंट होती है मैं वो देने के लिए रेडी हूँ, मैं उसके साथ भागकर भी शादी करने के लिए रेडी हूँ। कोर्ट मैरिज हो या फिर रजिस्टर्ड मैरिज हो या अरेंज मैरिज भी हो जाता है, मैं हर एक वे में रेडी हूँ, मगर मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। तो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं और बहुत जिद है इनके, आपको वो बाय हुक बाय क्रुक पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। और इस बात की उन्हें रियलाइजेशन भी है कि उन्होंने आपके साथ सही ट्रीट नहीं किया और आप जैसा पार्टनर शायद ही इन्हें कभी मिले इस जन्म में, तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो इस रिश्ते के लिए रजिस्ट हो रहे हैं और इस रिश्ते के लिए वो आपकी तरफ कदम भी रखेंगे, यानी आपको वो मनाएंगे भी। अनएक्सपेक्टेड वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं और वो आपको मना सकते हैं, भले ही आप इन्हें सेकेंड चांस दे या ना दे, लेकिन ये पर्सन जो है पेशेंसफुल ज़रूर रहेंगे, आपके हाँ का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। हाँ, चीज़ें पहले जैसी रहे ना रहे, लेकिन ये पर्सन की कोशिश यही है कि वो पहले जैसे बना लेंगे। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू।